गुड मॉर्निंग, वेलकम इन वन मोर ई ट्रेनिंग ऑफ वेस्टीज। आज हम बात करेंगे हार्ट केयर के बारे में। कीप अ हेल्दी हार्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ, बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय का खास ध्यान रखें अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए। आपके हृदय की बात करें तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारी बंद मुट्ठी जितना बड़ा होता है और हमारे हार्ट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में चेस्ट में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे। इसका काम क्या है? ये ब्लड को पंप करता है और आर्टरीज और वेन्स के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है। अगर हार्ट से रिलेटेड कई सारी बीमारियां जो कि लोगों में आजकल बात करें रही हैं उनकी बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा डिजीज, वॉल डिजीजेस, अंजाइना, इरेगुलर हार्ट बीट बढ़ जाना, अचानक से कम हो जाना, हार्ट के वॉल से रिलेटेड डिजीजेस और साथ में हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो। तो आप घर बैठे कुछ साइंस चेक कर सकते हो और पता लगा सकते हो कहीं आपको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं हो रहा है। पहला, अगर आपको अपने शोल्डर्स में, आर्म में, गर्दन में, जॉ में दर्द महसूस हो या फिर नंबनेस फील हो, झिझनाहट महसूस हो। दूसरा, अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, भले ही आप आराम कर रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, कोई काम कर रहे हो। तीसरा, चेस्ट में पेन रहना एक्टिविटी करते टाइम, भले ही आप जॉग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। उसके अलावा बार बार पसीना होना, भले ही आपका वातावरण गर्म नहीं है, आपने कोई एक्सर्शन वाली चीज नहीं की है, आपके पैर में, स्टमक में या फिर गर्दन में इन आ जाना, सूजन आ जाना, फिजिकल एक्टिविटी करते समय बहुत जाना, इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज ना कर पाना या फिर वॉमिटिंग जैसा फील होना, अगर ये साइंस हैं तो आपको हार्ट डिजीज होने आप चांसेस हैं। आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? वेस्टीज का एल आर्जिनिन ले सकते हैं। वेस्टीज एल आर्जिनिन के बारे में तो इसमें हार्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि विटामिंस, लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, रेसवेट्रॉल। तो फॉलिक एसिड, विटामिन B6, B12 क्या करेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करेगा। लाइकोपीन आपके शरीर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को बूस्ट करेगा और इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होने देगा आपकी आर्टरीज में। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रिजोवेट्रॉल और बीट जूस, इसमें सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और बीट जूस केमिकल नाइट्रेट कंटेन करता है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी भी रखेगा, हार्ट डिजीज कम करेगा और ब्लड प्रेशर को कम करने में खास मदद करता है। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों में रखेगा और आर्टरीज के बाहर रखेगा। विटामिन D3 कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। तो आपका एल आर्जिनिन लेने से क्या क्या फायदे होंगे? आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड रहता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, सेक्सुअल फंक्शनिंग इम्प्रूव करता है, आपको फिटता है, मदद करता है, कोई भी दर्द हो तो उसमें आराम देता है और एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं। साथ में ये आपके हार्ट में उम्र के पहले होने वाली दिक्कतों को अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है। तो आपको कैसे लेना है एल आर्जिनिन? एक सैशे को एक ग्लास पानी में घोल के लिया जा सकता है। अस्थमा के केसेस में आप एल आर्जिनिन अवॉइड करें। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1320 रुपए है और आपको इसमें 44 पीवी मिलते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं हमें एलर्ज की, क्या हमें एल आर्जिनिन के बारे में सब कुछ समझ में आया है? आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहला सवाल, लाइकोपीन बूस्ट बॉडी नेचुरल एंटीऑक्सिडेंट्स एंड इनहिबिट्स विच कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स इन आर्टरीज? कौन से कोलेस्ट्रॉल को लाइकोपीन हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट नहीं होने देता है? दूसरा सवाल, विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों में रखता है और आर्टरी से बाहर रखता है, सही या गलत? तीसरा सवाल, विटामिन D3 हमारे शरीर में कौन सी ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करता है? और आखिरी सवाल, ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रेसवेट्रॉल और बीट जूस कौन सी सुपीरियर चीज को कंटेन करता है? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वी आर ऑफरिंग फ्री शिपिंग ऑन ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ 16 लॉकडाउन अबव टिल लॉकडाउन लास्ट। You can continue purchasing your favorite Vestige and VBD products through Vestige app or Vestige website. Thank you. Stay safe, stay trained. Wish you wealth.